स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल. माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड टूडे इज़ 30th of April एंड दिस सेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर द क्लास 11th. इन दिस लेसन एंड वी आर डिस्कसिंग द लिविंग वर्ल्ड, अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. दैट इज द फर्स्ट लेसन. एंड आई टोल्ड यू, आई जस्ट गेव यू अ डिफरेंट असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग सेट, जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड दैट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स. आपको नोट्स प्रिपेयर करना है. तो आई थिंक किसी का कॉमेंट था कि सर नोट्स कहाँ हैं. ठीक है, नोट्स कहाँ हैं. देखो, जो चीज़ें मैं जैसे इस लेसन पर या इस चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें ही नोट्स हों. नोट्स का मतलब ये नहीं होता. जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द मतलब वॉट एवर मटेरियल यू आर ईटिंग, मतलब वॉट एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, जो भी लिविंग पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो ग्रेन इन्वॉल्व है, वो सीरियल इन्वॉल्व है, वो ग्राम मतलब वो पल्सेज इन्वॉल्व है, उनका साइंटिफिक नेम लिखना भी एक क्या है, आपका एक नोट्स का ही तो फॉर्म है. ठीक है, जब आप वो सारी चीज़ें वन वीक जैसे ही पास होगा, मैं आपको बताऊँगा कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न. उसको आप लर्न कैसे करोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में यू आर गोइंग टू सिट, देन दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो एक ऐसा पार्ट है जो स्टूडेंट्स को मतलब बहुत ज़्यादा रोटिंग नहीं, मतलब वो रटने से याद नहीं होता. आप रट लोगे लेकिन एक दो दिन के अंदर फिर भूल जाओगे. तो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दैट, उसको आप कैसे सीख सकते हो. देन नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंट थिंग रिलेटेड टू द बायोलॉजी. डिफरेंट थिंग के बारे में पता लगाई. जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में ही बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी, वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है. ठीक है, वायरसेस के बारे में पता लगाना कि उनका स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है, क्या होते हैं वायरस, एवरीथिंग. और जो चीज़ आपको ना क्लियर हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू यू, सारी चीज़ें आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ठीक है, अल्टीमेटली कन्फर्म है रिलेटेड है, लेकिन अगर आप उसके बारे में अगर आप क्यूरोसिटी नहीं लेके आओगे तो यू कैन नॉट लर्न द सब्जेक्ट. आप बस केवल एक सब्जेक्ट की तरह रह जाएगा. इट विल नॉट बी अ मोर देन सब्जेक्ट, ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोटिवेशनल लाइन. बहुत अच्छी मोटिवेशनल मैंने लाइन लगा पे रगा रखी है. ठीक है, गिवन बाय द अब्दुल कलाम. अगर हो सके तो इन लाइन्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, डिसाइड वाइल अदर्स आर डिलेइंग, सेव वाइल अदर्स आर वेस्टिंग, स्माइल वाइल अदर्स आर फ्रोनिंग, प्रिपेयर वाइल अदर्स आर डे ड्रीमिंग, परसिस्ट वाइल अदर्स आर क्विटिंग, बिगिन वाइल अदर्स आर प्रोसिग्नेटिंग, एंड वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग. ठीक है, तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो, ठीक है, कोशिश करो इन लाइन्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए. सारी लाइन्स नहीं, लेकिन कुछ लाइन्स के बारे में तो ज़रूर सोच सकते हो कि कैसे हम इसको धीरे धीरे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी. हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, टैक्सोनॉमी. मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या है. ठीक है, ये टैक्सोनॉमी के बारे में बता दिया था कि टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. ठीक है, मतलब वट एवर थिंग रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनक्लेचर. ठीक है, उस ब्रांच को हम बुलाते क्या है, दैट इज़ टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस. आई टोल्ड यू इज़ द पंडित जी ऑफ बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर. वही पंडित जी हैं जो नामकरण करते हैं. नामकरण इन्होंने स्टार्ट किया था और नाम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जीनस और एक स्पीसीज. तो जो फर्स्ट नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और जो सेकंड लास्ट नेम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी. ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं. मैंने आपको कैटेगरी के बारे में बताया था. कैटेगरी के बारे में क्या बताया था, सिस्टमैटिक बता दिया था. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती हैं. तो मैंने आपको आपका ही एग्जांपल लेके बताया था कि कैटेगरीज़ क्या होती हैं. ठीक है, एक बार और फिर से मैं बता दे रहा हूँ. जैसे मैंने आपको कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी आप फिल करते हो, कि कंट्री फिल करते हो, स्टेट फिल करते हो, मतलब डिफरेंट चीज़ें फिल करते हो. तो वो जान लो क्या है, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ तो नहीं है, बट वो कैटेगरीज़ हैं. कैटेगरीज़ फॉर यू, वो आपके लिए कैटेगरीज़ हैं. ठीक है, समझ में आया. सेम एज़ वैसे ही जैसे हमें क्लासीफाई करने के लिए एक इंडिविजुअल को किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में फिट करने के लिए बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करना इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जैसे आप टिकट बुक करते हो तो उसमें आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है. ठीक है, तो वो सारी क्या है, वो सब कैटेगरी हैं.
ठीक है, जो आप फिल कर रहे हो इन रेफरेंस, जिसके फ्रंट में आप वो सारी चीज़ें फिल कर रहे हो, वो हैं क्या? वो कैटेगरीज तो हैं, ठीक है। अब उन कैटेगरीज को अगर हम अरेंज करें, ठीक है, अगर हम उन कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, तो उसको हम हायरार्की सिस्टम बुलाते हैं। इसी सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं? हायरार्की सिस्टम। आपने सुना होगा हायरार्की सिस्टम होता है। हायरार्की सिस्टम में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं उसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने ऑर्डर में अरेंज कर लिया, वो चाहे कोई पोस्ट हो, जैसे अगर मान लो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट को हमने जो है एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज करना, वो सब क्या है? हायरार्की सिस्टम ही तो है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में भी हायरार्की सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे ये देयर आर सेवन कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया, तो कंट्री क्या है? इंडिया है। सबसे लार्जेस्ट जो कैटेगरी होती है, सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है, वो कौन सी होती है? किंगडम होती है। जैसे हमारी जो कंट्री है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, उस कंट्री में सब आ रहे हैं, एवरीवन इंक्लूडिंग एवरीवन, सब लोग उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेवन से लेके वन की तरफ बढ़ें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग, समझ में आया? अगर हम सेवन से वन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सेवन्थ क्या है? लार्जेस्ट है, फिर उससे स्मॉलेस्ट है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर इस तरह से धीरे धीरे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? स्पीसीज है। तो अगर हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लें, सबसे पहले किंगडम लिखें, फिर फाइलम लिखें, फिर क्लास लिखें, फिर ऑर्डर लिखें, इस तरह से अगर लिखें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर। और वहीं पे अगर हम स्पीसीज से स्टार्ट करें और किंगडम पे जाएं, तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। तो वी आर गेटिंग द ऑर्डर ऑफ दीज कैटेगरी, मतलब कन्फर्म है कि इन कैटेगरीज़ को हम ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, और उसी अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं? हायरार्की सिस्टम बुलाते हैं। तो व्हाट इज़ हायरार्की सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? अरेंजिंग द कैटेगरीज इनटू द ऑर्डर, उसको ऑर्डर में अरेंज करने को ही क्या बुलाते हैं? हायरार्की सिस्टम बुलाते हैं, समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इन जितनी भी कैटेगरीज हैं इनको सीक्वेंस में बताओ, इनका ये सीक्वेंस है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, एस जी एफ ओ सी पी के, ये आप याद कर लो, एस जी एफ ओ सी पी के। अब मैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन इन जो लेटर्स हैं इनको आप किस तरह से याद कर सकते हो। एस फॉर कुछ बोल भी सकते हो, मतलब वॉट एवर, लेकिन अगर आप 5 बार 6 बार इसको बोलोगे तो ये कन्फर्म आपको याद हो जाएगा, एस जी एफ ओ सी पी के, एस जी एफ ओ सी पी के, एस जी एफ ओ सी पी के, तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो एस फॉर स्पीसीज है, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम, ठीक है, एंड के फॉर किंगडम। याद हो गया, ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द थर्ड कैटेगरी, फ्रॉम लोवेस्ट, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो थर्ड कैटेगरी कौन सी है? तो फाइलम है। हाईएस्ट से लोअर की तरफ जाएंगे तो थर्ड कैटेगरी कौन है? क्लास है। तो आप एवरी मतलब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, देन यू कैन सॉल्व द आंसर, मतलब यू कैन गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सीक्वेंसिंग, रिलेटेड टू द हायरार्कियल सिस्टम, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक थोड़ी सी ट्रिक थी याद करने की। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ह्यूमन की कैटेगरी यहाँ पे लिख रखी ताकि आपको क्लियर हो जाए, मतलब हमारी ही टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। जैसे अगर आपका साइंटिफिक नेम कोई पूछे तो आप बताओगे होमो सेपियंस सेपियंस, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन। मतलब आप कोई कोई सुना होगा कि होमो सेपियंस, किसी ने सुना होगा कि केवल सेपियंस लिखा होता है, वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है दैट इज़ होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो सेपियंस सेपियंस या सेपियंस केवल आप लिख सकते हो, दैट इज़ राइट, अगर आप केवल सेपियंस भी लिख रहे हो वो भी सही है, तो वो है क्या? स्पीसीज है। मतलब आपके जो साइंटिफिक नेम का जो लास्ट पार्ट होता है दैट टेल अबाउट द स्पीसीज, वो स्पीसीज के बारे में बताता है। जीनस क्या है? होमो है। हमारी फैमिली क्या है? होमिनिडेई फैमिली है। हमारे जितने भी एंसेस्टर थे, चाहे वो नियंडरथल रहे हों, चाहे वो क्रोमैग्नन रहे हों, वो सब किस फैमिली में आते थे? होमिनिडेई फैमिली में आते थे। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है, ठीक है। ऑर्डर क्या है हमारा? प्राइमेटा है। फिर हमारी क्लास क्या है? मैमेलिया है, ठीक है। वी आर हैविंग मेमरी ग्लैंड, हमारे पास मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है। एंड द ह्यूमन बींग फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, फीमेल ही फीड करती है, मेल नहीं करता है, लेकिन वो इस कैटेगरी में तो आते हैं, मेमेलिया, ठीक है। उसके बाद फाइलम क्या है हमारा? कॉर्डेटा। और किंगडम क्या है? एनीमेलिया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो एनीमेलिया में आ गए,
तो जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे किंगडम में आ गए, मतलब हमारा और जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो लिजर्ड हो, स्नेक हो, वट एवर, वो सब हम सब में कॉमन क्या है? एनिमल. मतलब जैसे जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो कम होते रहेंगे, मतलब रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे हम जैसे मान लो किंगडम है, जैसे कंट्री है, तो एवरी जितने भी इंडियंस है सबके बीच में एक कॉमन चीज़ है कि एवरी वन इज़ इंडियन, सब लोग क्या हैं? इंडियन है. सेम एज़ विद द एनिमेलिया. ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं सबके बीच में एक कॉमन चीज़ है कि वो क्या है? किंगडम उनका सेम है, लेकिन फाइलम सेम नहीं होगा. ठीक है, फाइलम अलग होगा. जैसे आर्थ्रोपोडा, आपने 9th में पढ़ रखा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा अलग अलग है. ठीक है, आर्थ्रोपोडा और ये कॉर्डेटा दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं. तो जैसे इन किंगडम एनिमल से कॉर्डे फाइलम पे आए, हमारा और इंसेक्ट का दोनों का फाइलम क्या हो गया? अलग हो गया. वो कॉर्डेटो को बिलोंग करते हैं, सॉरी वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, और हम किसको बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं. समझ में? फिर बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट होंगे जो मतलब सारे एक साथ होंगे, बहुत सारे कॉर्डेटा एनिमल सब साथ में होंगे. जैसे फिश होंगे, फिश भी कॉर्डेट्स होती हैं, रेप्टाइल्स भी कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब स्नेक वगैरह. ठीक है, उसके बाद जो फ्रॉग होते हैं वो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड होती हैं वो भी रेप्टाइल्स होती हैं. तो हम सब में कॉमन क्या है? हमारे में, बर्ड में, ठीक है, फ्रॉग में, लिजर्ड में, फिश में, कि हम सब क्या हैं? कॉर्डेटा हैं. लेकिन जैसे ही क्लास की बात आएगी सब अलग हो जाएंगे. ठीक है, बर्ड क्लास अलग है, फिशेस की क्लास अलग है, एम्फीबिया क्लास अलग है, मैमेलिया क्लास अलग है. फिर जैसे ही हम ऑर्डर पे आएंगे, जो मैमेलिया में ही होंगे, मैमेलिया में भी जितने एनिमल होंगे उनका ऑर्डर अलग हो जाएगा. ठीक है, जैसे कुछ ऑर्डर ऐसे होंगे कार्निवोरा, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो कार्निवोरा होंगे. कार्निवोरा मतलब जो केवल फ्लैश खाते हैं. ठीक है, जैसे आप लायन को ले लो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कार्निवोरा हो जाएगा. फिर हम फैमिली पे आएंगे तो हमारी फैमिली अलग अलग हो जाएगी. फिर जब हम जीनस पे आएंगे तो एकदम अलग हो जाएंगे. मतलब जीनस और स्पेसीज तो स्पेसिफिसिटी बात करेंगे ना, स्पेसिफिक बात करेंगे किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की. समझ में आया? किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे ह्यूमन बींग की. अब देखो, ह्यूमन बींग चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो रशियन हो, सब लोग का एक कॉमन है कि हम सब क्या है? हमारा जीनस और स्पेसीज क्या है? सेम है. ये जितने भी कैटेगरीज हैं हमारी वो सब सेम है. समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कैटेगरीज़ को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हीं को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ बोलते हैं. और इन कैटेगरीज़ के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं. जैसे यू डोंट नो द ऑल द मैमेलिया, जितने भी मैमेलिया हैं अर्थ पर कन्फर्म है, उनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें मैमेलिया के बारे में पता है. हमें एनिमल्स के सारे, और वी डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी एनिमल दोज फॉल अंडर द क्लास ऑफ मैमेलिया. जितने भी एनिमल्स जो है मैमेलिया क्लास में आते हैं हमें उनके बारे में नहीं पता, बट वी नो अबाउट द मैमेलिया, लेकिन हमें मैमेलिया के बारे में पता है. इफ़ दे फॉल अंडर द क्लास ऑफ मैमेलिया तो कन्फर्म है दे विल शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलिया विच वी नो. जो करेक्टरिस्टिक हमें पता है मैमेलिया का, वो करेक्टरिस्टिक कौन शो करेगा? वो एनिमल वो करेक्टरिस्टिक शो करेगा. देन द एनिमल इज़ क्लासिफाइड अंडर द क्लास ऑफ मैमेलिया, तभी उसको इस क्लास में रखा गया है, अदरवाइज वो क्लास में नहीं रखा जाता. बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्या सीख लिया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं. ठीक है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, इन कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, मैंने एग्जांपल आपको लेके बता दिया. ठीक है, जब भी हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे पहले तो बहुत ज़्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन कम होने लगेगा. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जब हम किंगडम से फाइलम में आएंगे तो किंगडम सेम होगा, लेकिन फाइलम आते ही अलग अलग हो जाएंगे हम. फिर फाइलम से जब क्लास में आएंगे तो फाइलम तो सेम होगा हमारा. ठीक है, जैसे हमारा फिश का, एम्फीबिया का, फ्रॉग का, रेप्टाइल मतलब स्नेक का, सबका फाइलम सेम है, लेकिन जैसे ही हम क्लास में आएंगे हमारी क्लास क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. फिर पता है क्लास अगर सेम है लेकिन जब हम ऑर्डर पे आएंगे तो हमारा ऑर्डर अलग हो जाएगा. तो इस तरह से हम धीरे धीरे जब जैसे जैसे अपने लोवेस्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे हम क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूसिव होते चले जाएंगे. हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे जो है वो स्पेसिफिसिटी के बढ़े की तरफ बढ़ेंगे, कि स्पेसिफिक होते चले जाएंगे. समझ में आया? ठीक है, तो बारे में अब डिस्कस करेंगे हम एवरी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पीसीज के बारे में. इज स्पीसीज, देखो स्पीसीज जो होती है दैट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म.
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन एक स्पीसीज है, हम क्या बताएंगे, ह्यूमन एक स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो मंकी एक स्पीसीज है, मंकी अलग है। अब ह्यूमन और मंकी को दोनों अलग अलग स्पीसीज को बोल रहे हैं, ठीक है, और इनको एक ग्रुप को बोल रहे हैं क्योंकि एक बिकॉज ह्यूमन कैन इंटरब्रीड, जो ह्यूमन है उनके बीच में ब्रीडिंग हो सकती है, चाहे वो कोई भी ह्यूमन है। अब आप बताओ कोई भी अगर मतलब कोई अदर कंट्री को बिलोंग करता है, कोई फॉरेन कंट्री को बिलोंग करता है, तो क्या वो इंडियन जो मतलब ब्रीड है उसके साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता, कर सकता है। इसका मतलब है हम एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं एंड वी शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक, और सबसे हमारे अंदर सबसे कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं, हमारे पास भी आईज हैं, हमारे पास भी डीएनए, जो डीएनए जितना परसेंटेज डीएनए हमारे हमारा है, जितना क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास क्या है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो रशियन होंगे या जो चाइनीज़ हैं या जो इटालियन इटली को बिलोंग करते हैं, दे विल आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब है कि हमारे और उनके करेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है, एंड वी कैन इंटरब्रीड, और दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। सम टाइम इट फील्ड, कभी कभी जब मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं एक ही स्पीसीज़ को तो हमें लगता है ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे हमें खड़ा कर दिया जाए और जापानीज़ या चाइनीज़ को खड़ा कर दिया जाए तो लगेगा बहुत डिफरेंट है, बट लेकिन दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं, दोनों के अंदर कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं, दैट्स वाई दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, इसीलिए वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने स्पीसीज का लगा दिया है, नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स है फॉर एग्जाम्पल, जो जीनस है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने शायद जीनस ले लिया, स्पीसीज यहाँ पर सॉरी, ये है स्पीसीज के बारे में कॉन्सेप्ट जो था स्पीसीज का, दैट वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर जो है वो बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने स्पीसीज के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो इंटरब्रीडिंग कर सकता है, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग कर सकता है, उसमें कोई डिफरेंट मतलब फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रीडिंग आराम से कर सकता है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था स्पीसीज को लेके, बहुत सारे बॉटनिस्ट ने इनका कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। जो अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट था ये एनिमल के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल है, उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने बताया जो प्लांट हैं उनके लिए बहुत कम अप्लीकेबल है। फिर एक नया मतलब एक नया टर्म आया कि जो ऑर्गेनिज्म दो शेयर मोस्ट ऑफ द कॉमन करेक्टरिस्टिक, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक कॉमन है तो हम क्या बोल सकते हैं, दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। बस समझ में आ गई। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक यूनिट, ये जो स्पीसीज है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट टैक्सा है आप बोल सकते हो, टैक्सा, टैक्सा मतलब कैटेगरी, TAXA, टैक्सा, टैक्सा से बना टैक्सोनॉमी, ठीक है, फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक यूनिट है स्पीसीज, क्लियर। अब स्पीसीज का ही एग्जांपल अगर हम ले लें तो जैसे अगर हम देखें नेक्स्ट जीनस पे अगर आ जाए तो यहाँ पे भी हमें स्पीसीज के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखो जीनस क्या है, जीनस कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, इसमें कई सारी स्पीसीज के ग्रुप आएंगे जिनका जीनस सेम होगा लेकिन उनकी स्पीसीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, समझ में, मतलब जैसे हम स्पीसीज से जीनस की तरफ आएंगे, स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन जीनस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ हॉर्स की वेराइटीज़ के बारे में है, जीनस इक्वस, जो हॉर्स का जो जीनस होता है उसकी भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है ना, जेब्रा भी उसी में आ जाता है, हॉर्स भी उसी में आ जाता है, वाइल्ड एस भी उसी में आ जाता है, तो इन सब का जो जीनस है वो इक्वस है क्योंकि दिखते लगभग सब सेम है लेकिन वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ज़ेब्रा क्रॉस विद द हॉर्स, जो ज़ेब्रा है वो ब्रीडिंग कर सकता है हॉर्स के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं सुना होगा, क्लियर। सो इस लाइन का मतलब समझ लो, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट आर फेयरली क्लोजली रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल जीनस इक्वस विच इंक्लूड सेवरल स्पीसीज। अब देखो जीनस तो सेम है लेकिन उसके अंदर स्पीसीज डिफरेंट आ जाएंगी, जैसे इक्वस कैलेबस, इक्वस एसाइनस, इक्वस ज़ेब्रा। अब देखो कैलेबस किसका है, हॉर्स का है, एसाइनस किसका है, एस का है, ज़ेब्रा किसका है, ज़ेब्रा का है, तो जेनरिक नेम इक्वस है, ठीक है, दैट डिस्क्राइब अ जीनस, द स्पेसिफिक नेम इज़ ऑलवेज यूज द जेनरिक नेम। तो हमें पता है जब भी हम किसी का साइंटिफिक नेम लेते हैं तो उसको जीनस के साथ लेते हैं, ठीक है, इट इज़ मीनिंगलेस व्हेन यूज्ड अलोन। अगर हम जीनस को अलग बोलें और स्पीसीज को अलग बोलें, दोनों का अलग अलग कर दें तो उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रह जाता, क्लियर हो गया। तो जीनस मतलब समझ में आ गया, जीनस एक कैटेगरी है जिसमें हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रख सकते हैं,
मतलब स्पेसीज अलग अलग होंगी लेकिन उनका जीनस क्या होगा, कॉमन होगा, उनके बीच में करेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे। जैसे हॉर्स को देखें, वाइल्ड एस को देखें, जिब्रा को देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ इनके करेक्टरिस्टिक कॉमन है, दैट्स वाई दे बिलोंग टू द सेम जीनस, इसीलिए वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। अब एस जी, अब वो वाला लेटर याद करना, एस जी एफ ओ सी पी के, तो हमने एस पढ़ लिया मतलब स्पीसीज, जी पढ़ लिया जीनस, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो फैमिली क्या होती है, हो सकता है फैमिली कॉमन हो लेकिन उनके जो जीनस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हमारा जो जीनस है वो होमो है, हमारी जो स्पीसीज है वो सेपियन सेपियंस है, ठीक है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे जो मंकी की तरह थे उनका भी जीनस वही था होमो, लेकिन उनकी स्पीसीज क्या थी, अलग थी, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है, तो उनकी स्पीसीज अलग थी लेकिन जीनस क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो फैमिली में जेनरा ग्रुप्ड इनटू फैमिली, जो डिफरेंट जेनरा है उनको हमने एक फैमिली में उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका जो जीनस है वो तो अलग अलग है लेकिन वो सेम एक ही फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं। जैसे विच आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ जनरली फैमिली है, जैसे फेलिडे, फेलिडे जो है वो फैमिली है, ये फैमिली का नाम है, विच इंक्लूड्स ऑल कैट लाइक एनिमल्स, जितने भी कैट लाइक एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कैट हो, चाहे वो टाइगर हो, चीता हो, जगुआर हो, स्नो लेपर्ड हो, इन सबको हम एक फैमिली में रखते हैं और उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडे फैमिली है, समझ में आया। तो हो सकता है इनका जीनस अलग हो सकता है इनका स्पीसीज अलग हो लेकिन दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे एवरी कॉन्टिनेंट विद एक्सेप्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्क्टिका, यहाँ के कॉन्टिनेंट के जो ऑर्गेन मतलब ये जो एनिमल हैं उनको नहीं हम एक फैमिली में रखते, इनको थोड़ा सा अलग रखते हैं, एज इनके जीनस अलग है, मतलब ये अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट ऑल जितने भी हैं उनको हम एक सेम फैमिली में रखते हैं, फेलिडी फैमिली में रखते हैं। देखो जब भी फैमिली का नाम आएगा तो लास्ट में ए ही लगा होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने ह्यूमन का बताया था, देखो फैमिली, देखो ए ही लगा है ना, लास्ट में ए ही ज़रूर लगा होगा, ये मतलब ये साइन है किसका, जिससे आप नोटिस कर सकते हो कि कोई भी जो नाम लिखा है वो फैमिली का नाम लिखा हुआ है, समझ में आ गया। तो फैमिली सेम हो सकती है, उनका जीनस, उनके स्पीसीज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी जो फैमिली होगी वो कॉमन होगी, मतलब कई सारे डिफरेंट, जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, अपने अपने से कोरिलेट कर रहा हूँ, जो अभी हमने फॉर्म वाला बताया था कि आपका आपकी फैमिली क्या है, स्पेसिफिक है। अब जैसे आपके मोहल्ले में बहुत सारी फैमिली रहती हैं, तिवारी फैमिली रहती है, शुक्ला फैमिली रहती है, सिंह फैमिली रहती है, बहुत सारी फैमिली रहती है, ठीक है। तो उन फैमिली के बीच में अलग अलग वो लोग स्पेसिफिक हैं कि तिवारी अलग हैं, शुक्ला अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, लेकिन उनके बीच का जो जीनस है वो क्या है, सेम है, जीनस इन द सेंस कि दे बिलोंग टू द सेम स्ट्रीट, वो सेम स्ट्रीट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आएंगे तो उनके बीच में क्या कॉमन रहेगा, उनकी फैमिली अलग है, उनका जो जीनस है मतलब वो एक स्ट्रीट को बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद जब उनका सिटी के बात आएगी तो सिटी कॉमन हो जाएगी सबकी, ठीक है। जैसे अगर कोई जो है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में कॉलोनी में रहता है और कोई दूसरी कॉलोनी में रहता है तो दोनों के बीच में दो डिफरेंट अलग अलग कॉलोनीज है लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि दे बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट उनका सेम है, वो एरिया उनका सेम है, समझ में। ऐसे ही फैमिली के बारे में भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर है, एस जी एफ ओ। अब देखो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर सेम हो सकता है, मतलब डिफरेंट फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में रख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे whose individual may vary in various form, जैसे हमने एक ऑर्डर बनाया कार्नीवोरा। अब तो मैं कार्नीवोरा का नाम सुन के ही पता लग गया होगा कि कार्नीवोरा मतलब द एनिमल दोज ईट फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी फैमिली आ गई, फेलिडी फैमिली आ गई, कैनेडी जो डॉग की फैमिली है, ये दोनों ही फैमिली इसमें इंक्लूड कर ली गई, फेलिडी फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया गया और कैनेडी फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, कार्नीवोरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाउ एवर ऑल मेम्बर्स वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज दोज इन द मेजर ऑर्डर, जिनको हम आर्ट्री डैक्टीला बोलते हैं, विच इंक्लूड पिग, जिसमें पिग आ जाते हैं, डियर आ जाते हैं, जिराफ, एंटीलोप्स आ जाते हैं। ऑर्डर बिगिन, अब जो भी ऑर्डर लिखेंगे विद अ कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे फेलिडे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और लास्ट में ए आएगा, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, लास्ट में ए तो आएगा लेकिन हो सकता है कि ये हमेशा ऐसा ना हो, ठीक है, कभी ई भी आ सकता है, कभी ए भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ए आएगा, क्लियर है।
ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, जैसे जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं उनका एक ऑर्डर हो गया, दैट इज़ कार्निवोरा। फिर जो प्लांट ईटिंग है उनका दूसरा ऑर्डर हो सकता है, ये आर्ट्री डैक्टिला, ये उनका ऑर्डर है, लास्ट में ए आ रहा है, समझ में आए। तो इस तरह से ऑर्डर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, हम प्राइमेटा में आते हैं। और जो ये मतलब जो मंकीज़ होते हैं इनका भी ऑर्डर वही है, जितने भी मंकीज़ होते हैं, जितने भी एप होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग हैं, इन सब का ऑर्डर एक है, वी बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, दैट इज़ व्हाट, प्राइमेटा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ऑर्डर के बाद SGFOC, क्लास। अब देखो क्लास के बारे में क्या है, अब ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर को हम सेम क्लास में रख सकते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, टाइगर, ये सब किस में आ जाते हैं, मैमेलिया में। दे ऑल फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, ठीक है, तो उनकी जो क्लास हो गई वो क्या हो गई, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे लेकिन समझ जाओगे, मैमेलिया, उनकी क्लास कॉमन हो गई, मैमेलिया। जितने भी इस तरह के ऑर्डर अलग अलग हैं लेकिन उनकी क्लास क्या हो जाएगी, जैसे काइरोप्टेरा, जहाँ पे भी काइरो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बैट से रिलेटेड, काइरेप्टोरोलॉजिस्ट, जो बैट के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं काइरेप्टोरोलॉजिस्ट। तो काइरोप्टेरा मतलब बैट। अब देखो बैट तुम्हें लगे अभी तक जो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि बैट जो है वो बर्ड में आता है, नहीं, बैट जो है अपने बेबीज़ को फीड कराता है मिल्क पे, इसीलिए बैट किस कैटेगरी, किस क्लास में आता है, मैमेलिया में आता है। लेकिन उसका ऑर्डर अलग है, डॉग का ऑर्डर अलग है, ठीक है, बैट का ऑर्डर अलग है, उसके बाद ह्यूमन का ऑर्डर अलग है, लेकिन सबके जो क्लास है वो क्या है, सेम है। समझ में आ गया, तो क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास कैटेगरी का मतलब क्या है। उसके बाद देखो लास्ट टू कैटेगरी है फाइलम, डिफरेंट क्लासेस को हम सेम फाइलम में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फ़िश को, फ़िश अलग क्लास है, मैमेलिया में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग की क्लास अलग है, एम्फीबिया में आता है। जो स्नेक की क्लास है वो है रेप्टाइल्स, लेकिन उन सब को हमने एक फाइलम में रख दिया, दैट इज़ कॉर्डेटा। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे जितने भी जैसे क्लासेस हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ क्रस्टेशिया होते हैं, क्रस्टेशिया मतलब जिनमें कैल्शियम की लेयर होती है, कुछ आर्केडिना होती हैं, मायरेपैडा होते हैं, तो इनको हमने एक फाइलम में रख दिया, आर्थ्रोपोडा। यहाँ से अगर कम समझ में आ रहा है तो आप जो आपको मैंने अभी जो एग्जांपल बताया ह्यूमन वाला, वो ज़्यादा आप ले सकते हो, मतलब कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट में देखो जितने भी मोस्टली जो फाइलम होंगे उनको हम किंगडम में क्लासीफाई कर देंगे, जैसे अगर जितने भी ये कॉर्डेटा हैं, ठीक है, वर्टिब्रेटा, जितने भी कॉर्डेटा हैं, जितने भी फाइलम हैं, उनको हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, इन द किंगडम, किंगडम में इंक्लूड कर देंगे। और किंगडम सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी हो जाएगी, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, प्रोकैरियोटिक किंगडम, उन सब का किंगडम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो समझ में आ गई, दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माइंड को ब्रॉड करते रहिए। ये लेसन जो है बस एक दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा लेसन है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेसन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्पीड रखी है अपनी, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।